नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ आपको कि किस कलर के कपड़े आपका भाग्योदय कर सकते हैं, कौन सा कलर आपकी लाइफ में किस चीज को लेकर के आता है। ऐसी तमाम जानकारियां मैंने आपको अपने चैनल पर दे रखी है अपने तमाम वीडियो के जरिए। 8 नवंबर को दोस्तों देव दिवाली है। ये देव दिवाली 7 नवंबर को भी मनाई जाएगी, 8 नवंबर को भी मनाई जाएगी, लेकिन जो रिचुअल्स है वो 7 नवंबर को ही कर लिए जाएंगे, क्योंकि 7 नवंबर को व्रत की पूनम है। ये पूनम शाम को 7:15 से लग जाएगी, जो 8 नवंबर को शाम 8:31 तक रहने वाली है। लेकिन 8 नवंबर को क्योंकि चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण का जबरदस्त असर इंडिया पर होने वाला है, विदेश पर होने वाला है, तो इसके तमाम नियमों का हमें पालन करना होगा। सुबह से जब आप सोकर के उठेंगे 5:30 से ही सूतक लग चुका होगा, तो आप ना कोई व्रत पूजा पाठ कर पाएंगे देव दिवाली वाले दिन। और जो व्रत उपवास रखते हैं वो तो वैसे भी एक दिन आगे जो 7 नवंबर की है पूनम उसी दिन रखेंगे, क्योंकि व्रत उपवास वाले दिन ही जो एक दिन आगे पूनम होती है उसी दिन वो चांद निकलता है जिसकी पूजा होती है। दूसरे दिन तो जैसे अभी इस बार 4:31 पर पूनम समाप्त हो जाएगी, तो जो चांद निकलेगा रात को वो परेवाता होगा, और मेन जो क्रिया है पूनम की वो चांद की पूजा की ही होती है। तो आपको जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं आप 7 नवंबर वाले दिन कर सकते हैं, पूजा पाठ जब तक तमाम चीज़ें आप 7 नवंबर वाले दिन कर सकते हैं। कुछ लोग जो माता तुलसी के बारे में पूछ रहे थे कैसे क्या पूजा करनी है, तो मैं आपको बता दूँ कि आप 7 नवंबर की रात, हाँ, या फिर आप चाहे तो 8 नवंबर की रात को भी कर सकते हैं। नहा धोकर के स्वच्छ हो जाएं, तुलसी माता को आज के दिन चुनरी ओढ़ाएं। दोस्तों, जो लोग एकादशी वाले दिन पूजा नहीं कर पाते हैं वे लोग देव दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं। एकादशी वाले दिन से ज्यादा पब्लिक देव दिवाली वाले दिन तुलसी माता की पूजा करते हैं। तुलसी माता को अच्छे से आपको सजाना है, पानी के छींटे डाल करके छिड़क करके उन्हें स्नान कराना है। स्नान में गंगा जल जरूर आप डालें। जब आप उन्हें स्नान कराते हैं उस समय उन्हें उन पर कच्चा दूध जरूर छिड़के। तुलसी माता पर हल्दी का दिया लगाएं, कुमकुम का दिया लगाएं, अक्षत उन्हें आप अर्पित करें और चुनरी चढ़ाएं। जो लोग धन की कामना करते हैं कि हमारे घर में अतिशय धन आए, वे लोग पीले रंग की चुनरी माता रानी को अर्पित करें। जिनके घर में सोनापन ज्यादा रहता है, नौकरी धंधे ढंग से नहीं चल रहे, घर में रौनक ना हो, वैसे लोग लाल रंग हरे रंग की चुनरी माता रानी को अर्पित करें। हरा कलर दोस्तों घर में रौनक लेकर के आता है। जो लोग चाहते हैं कि हमें शक्ति प्राप्त हो, हमारा बोलबाला हो, वैसे तमाम लोग लाल रंग की चुनरी माता रानी को अर्पित करें। जो विद्यार्थी गण है वे लाल या पीले दोनों में से कोई भी एक कलर की चुनरी माता रानी को अर्पित करके अपनी इच्छा माता रानी के सामने बोल सकते हैं। जो लोग किसी का वशीकरण करना चाहते हैं वे लोग ब्लू कलर पसंद करें, लेकिन टोटल ब्लू ना पसंद करें, उसमें थोड़ा हरा पीला या लाल कलर भी आप चयन करें। आज के दिन माता रानी के सामने श्रृंगार का तमाम सामान आप उन्हें अर्पित करें, और श्रृंगार के सामान में खास तौर से चूड़ियां और बिंदी अर्पित करें। ज्यादा नहीं तो 2 हरी चूड़ी और 1 हरे कलर की बिंदी का पैकेट माता रानी को जरूर अर्पित करें। माता रानी के सामने घी का दीपक लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, हाथ में चावल लेकर के माता रानी की प्रदक्षिणा करें। जो लोग एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह ना करवा पाए हो वे लोग आज के दिन हाथ में चावल ले और उसमें शालिग्राम रखें और तुलसी माता के साथ प्रदक्षिणा करके शालिग्राम को वहां पर विराजमान करें और उसके बाद कंटिन्यू 21 दिनों तक उनकी पूजा करें। 21 दिन तक पूजा करने से आपकी कैसी भी मनोकामना होगी बहुत जल्दी पूरी होती है। दोस्तों, जो बीच में आपको डिस्टर्ब होता होगा, कहीं खांसी आती, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स लिख रहे थे मैडम आवाज़ में तकलीफ आ रही है, क्योंकि मेरी अभी तबीयत कुछ ज़्यादा ही थोड़ी ख़राब हो रही है। वैसे मैं रेगुलर दवा ले रही हूँ लेकिन कंटिन्यू फीवर है, सर्दी है, दैट इज़ वाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में। उसको आप चला लें, थोड़ा सा बियर करें। तो ऐसे आपको करनी है तुलसी माता की पूजा, और ज़्यादा नहीं तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कम से कम 2 चुनरी तो हरी
माता रानी को आज के दिन आप जरूर जरूर अर्पित करें। पूरा साल घर में बढ़िया सुख और समृद्धि भी बढ़ेगी और घर में रौनक रहेगी। माता रानी को मिठाई भी आज के दिन दोस्तों जरूर अर्पित करना। मिठाई अर्पित ना कर पाए तो कच्चा दूध मिश्री मिला करके माता रानी को जरूर अर्पित करना। घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बिल्कुल भी मत। आप चाहो तो ये पूजा 7 नवंबर को भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ये पूजा 8 नवंबर की रात भी कर सकते हैं। पूजाएं करते रहे और हमेशा खुश जिस खुश।